बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री अलवर में हनुमंत कथा कर रहे हैं। शुक्रवार रात को कथा के बाद कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के बुलावे पर वे उनके निवास फूलबाग पैलेस पहुंचे। यहां मजाक मजाक में उन्होंने कहा कि आज से फूलबाग मेरा हुआ। इस पर जितेंद्र सिंह ने भी सर हिलाकर हां ही कर दिया। शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि शेरवानी तैयार कर रखो, जल्द ही शादी करूंगा। धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार रात 9:30 बजे पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम को धर्म सभा नाम दिया गया। इस दौरान उन्हें चांदी के सिंहासन पर बिठाया गया। इस धर्म सभा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह सनातन संस्कृति का आदर्श है। वे समस्त जनता को भगवत तुल्य मानने वाले व्यक्ति हैं। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस नेताओं को सनातन धर्म विरोधी बताती रही है। शास्त्री ने कहा कि छतरपुर से मुझे मेरे परिवार के आलोक चतुर्वेदी ने मैसेज दिया कि अलवर जा रहे हैं तो वहां हमारा एक परिवार है, उनसे भी मिलिएगा। यहां आने पर भंवर जितेंद्र सिंह ने 2 मिनट फूलबाग आने को कहा। हम 10 मिनट के लिए चले आए। शनिवार को धीरेंद्र शास्त्री लोहिया का तिबारा पर दरबार लगा रहे हैं। दरबार और हनुमंत कथा 4:00 बजे तक चलेगी। पत्रकारों के बीजेपी कांग्रेस के सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सरकार जनता से है। सबसे बड़ी सरकार हनुमान जी की है। जनता ही सरकार है। चुनाव राजनीति पर हमारी टिप्पणी ठीक नहीं है। हम सबके हैं, किसी से जोड़ कर बता दें। साधु गंगा सूर्य और चंद्रमा सबके होते हैं। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ। असली में छूट मिली घर घर, दिन और रात और शाम, शहर हर खेत में खिलती है मुस्कान। राजस्थान मेरी जान।